हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट क्लोथिंग हॉल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो फ्लिपकार्ट से लिया है वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो फर्स्ट है ये एक टॉप, जो कि एक ब्यूटीफुल सा टॉप है। इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट मटेरियल का और इसका ब्रांड है हर्पा ब्रांड से है और इसमें मेरी साइज़ है M। सबका जो लिंक है और प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। फिर भी मैं मुँह पे बोल रही हूँ, इसका आई थिंक 350 में मैंने इसको लिया है। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो आप ओवरऑल जो नेक में काम देख रहे हो उसमें वो है एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेडेड काम है, कोई भी प्रिंट नहीं है इसमें। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। लॉन्ग टॉप है, क्रॉप टॉप नहीं है। इसके अंदर आपको ऐसा एक फैब्रिक भी मिल जाता है जिससे ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं लगता, सिर्फ इसका हैंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है। इसका स्लीव्स भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है। अगर आपकी थोड़ी सी बल्की हैंड है मेरी तरह तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसकी नेक जो है फुल नेक है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे देखिए आप, एक लेस डिटेलिंग भी है इसमें। ये जो है टॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद close till I get up, time is barely on our side. मैं आपको जल्दी सब जो शेयर करने वाली हूँ वो है ये एक स्कर्ट, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है, ऐसा टाइप का स्कर्ट। ये है अपटाउन ब्रांड का, इसमें मेरी साइज है S। ये कुछ इस तरीके की है, ये फुल लेंथ स्कर्ट नहीं है, थोड़ा आपके नी से नीचे तक आएगा ये वाला। बहुत ही सुंदर, और इसकी जो फैब्रिक है आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसके अंदर कोई भी आपको कपड़ा एक्स्ट्रा से नहीं मिलता, यही है। ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ग्लॉसी मटेरियल है और पहनने में काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है। इसका प्राइस है आई थिंक 550 या 560 रुपीज़। उसके बाद मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो है, वो अगेन एक ब्लैक टॉप है फ्रॉम द ब्रांड हर्पा ऑल्सो, ये वाला। ये इसका जो मटेरियल है वो है पॉलिएस्टर और इसका जो है फुल स्लीव है, आप देख पा रहे हो। ये एक क्रॉप टॉप है जो कि किसी भी आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा। इसके इसमें जो आपको नेक मिलेगा वो एक ऐसा वाला नेक है और फुल स्लीव के अंदर आपको ये शर्ट की तरह एक बटन क्लोजर मिलेगा और इसके सामने के साइड भी एक बटन डिटेलिंग है और इसके साइड में जो है आपको ऐसा चेन मिलेगा। आप इसको पहनो, इसके बाद इस चेन को ऐसे लगा दो तो उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये है लास्ट पीस।
जो लास्ट टॉप है इस हॉल वीडियो का वो है ये। ये है फ्रॉम द ब्रांड ला ज़ोइरे। इसका जो मटेरियल है वो है थोड़ा सा जॉर्जेट और पॉलिएस्टर का मिक्स बोल सकते हो आप। और इसमें मेरी साइज़ है मीडियम। ये बहुत ही सुंदर सी एक शर्ट काइंड ऑफ टॉप है जो काफ़ी क्लासी लुक देता है। इसका स्लीव आप देख सकते हो, 3/4 स्लीव है और ये कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा तो कंफर्टेबल नहीं है बट गर्मी में थोड़ा सा गर्मी लग सकता है, तो इस टाइप के वेदर के लिए ये वाला टॉप बहुत ही अच्छा है। इसके सामने जो है ये ऐसे टाइप का रफल डिज़ाइनिंग है जो इस टॉप को और भी ज़्यादा क्लासी बना देता है। इसकी आप लेंथ देख सकते हो, नॉर्मल टॉप का जो भी लेंथ होता है, बिल्कुल भी क्रॉप टॉप नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये इसका जो प्रिंट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये है इस हॉल का लास्ट टॉप। मिंत्रा से मैंने एक जैकेट परचेज किया है जो कि है ये बहुत ही ज़्यादा इसका प्रिंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये है फ्रॉम द ब्रांड इंदी बेले। इसमें भी मेरी साइज़ एम है, थोड़ा सा लूज आ रहा था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है। ये जो श्रग है आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी फैब्रिक जो है रेयन है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। इसकी आपको 3/4 स्लीव मिल जाएगी, मतलब इतने तक आ जाएगा आपका। और ये जो है आप देख पा रहे हो फ्रंट में ऐसा पूरा खुला हुआ है, साइड में भी आपको स्लिट मिल जाएगा, ऐसा साइड स्लिट, ऐसा तीन स्लिट है इसमें, एक सामने वाला, दोनों साइड वाला। और सामने में आपको डोरी मिल जाएगा, ये एडजस्टेबल है। अगर आपको ये डोरी बांधना है तो ऐसा आप इसको छोटा करके एडजस्ट करके भी बांध सकते हो। ये डोरी के नीचे भी बहुत ज़्यादा सुंदर टैसल मिलते हैं, बहुत ही क्लासी बना देता है इस पीस को। डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन। ये आपके नी से थोड़ा नीचे तक आ जाएगा। इसकी प्राइस है 381 रुपीज़, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसेंट ये परचेज़ किया है तो मुझे इसकी प्राइस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। मिंत्रा से मैंने दो ड्रेस परचेस किया है, दोनों के दोनों ही ससरफराज ब्रांड से है और दोनों की साइज एम है। सो गाइज, ये जो फर्स्ट वाला ड्रेस है ये है, ब्लैक कलर का है ये। इसकी जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है। इसमें आपको फुल स्लीव मिलती है और स्लीव के बाहर ऐसा एक रबर डिजाइनिंग मिलता है। और उसके बाद आप स्लीव, आपका जो नेक देख सकते हो ऐसा स्क्वायर काइंड ऑफ नेक है जो कि काफी ट्रेंड में है आजकल। और इसके साइड भी ऐसा इलास्टिक का डिज़ाइन है। और ये जो है पूरा लॉन्ग ड्रेस है। इसके नीचे आप देख सकते हो इसका घेरा जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ऐसा बहुत ही प्लेन एक ड्रेस है, लेकिन इस ये जो ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी टाइप का लाइलिन मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल भी ये जो ड्रेस है ट्रांसपेरेंट नहीं है, पहनने में काफ़ी क्लासी लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, कंफर्टेबल भी है। इसकी प्राइस 600 या 650 के आसपास थी। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा पीस है। और इसके साथ आपको एक बेल्ट मिलती है कुछ इस टाइप का, सेम फैब्रिक का है ये, जॉर्जेट का एक ऐसा बेल्ट। इसको आप कमर पे ऐसे बांध सकते हो जिससे आपकी जो है ड्रेस की डिटेलिंग और अच्छी लगती है। उसके बाद जो ड्रेस है वो है रेड कलर का, सेम ब्रांड ससरफराज से, मैंने पहले ही बोला। ये भी मीडियम साइज में है। इसका भी फैब्रिक जो है जॉर्जेट है, लेकिन इसका जो स्लीव का पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। ये भी एक लॉन्ग ही ड्रेस है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है। इसमें आप देख सकते हो ऐसा रफल काइंड ऑफ स्लीवलेस पैटर्न है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस पीस है। इसका कलर जो है ना
माय गॉड बहुत ज्यादा अच्छा है। ये भी आपको इतना ज्यादा घेरा देके मिलेगा, बहुत ज्यादा सुंदर है। इसकी फैब्रिक जो है जॉर्जेट हो तो क्या हो, इन दोनों पीस का ही जो है जॉर्जेट मतलब जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। इसके अंदर भी जो अस्तर मिलेगा आपको, जो लाइलिन मिलेगा, वो काफी अच्छा है, सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है। और इसमें भी आपको साइड में एक बेल मिल जाता है जैसा ब्लैक में था वैसा ही। और इसकी भी लेंथ फुल लेंथ है, आपको पूरा पैर तक आएगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर पीस है। और इसकी भी प्राइस आई थिंक 600 या 650 के अंडर ही था। ये कलर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। आज की हॉल यही पे खत्म होती है। कैसी लगी आज आपके वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर भी कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Finding life alone.